दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक लड़की से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में एक कार में दो लोग एक लड़की को मारते पीटते कार में जबरन बैठाते हुए नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि कार में हरियाणा नंबर प्लेट थी और ये प्राइवेट कैब थी। वीडियो की मदद से पुलिस इन लोगों की पहचान करने में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि कैब को आखिरी बार गुरुग्राम में इफ्को चौक के पास शनिवार रात 11:30 बजे देखा गया था। पुलिस के मुताबिक वीडियो में दिख रहे तीन लोगों ने रोहिणी से विकासपुरी के लिए उबर ऐप के जरिए कैब बुक की थी। कैब को आखिरी बार गुरुग्राम में इफ्को चौक के पास शनिवार रात 11:30 बजे देखा गया था। रास्ते में तीनों के बीच कहासुनी हुई जो बाद में मारपीट में बदल गई। इसी बीच लड़के ने लड़की को घसीटते हुए कार में बैठाया और बाद में घूंसे भी मारे। इसके बाद तीनों यात्री कहा उतरे इसका पता लगाया जा रहा है। वीडियो बनाने वाला शख्स भी ट्रैफिक में था जो इस पूरी घटना का वीडियो बनाता है। इसका ही नहीं कैब का ड्राइवर भी उसकी मदद नहीं करता है। वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने खुद इस मामले की जांच करने का जिम्मा उठाया है। उसने कैब ऑनर का पता लगाने एक टीम गुरुग्राम भी भेजी थी। इस वीडियो के सामने आते ही दिल्ली महिला आयोग ने मामले पर जांच के लिए कहा है। DCW ने कहा परेशान करने वाली बात यह है कि बिजी ट्रैफिक वाली सड़क पर महिला के साथ मारपीट की गई है, फिर भी पीड़िता की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया।